अस्सलाम वालेकुम जी माई यूट्यूब फैमिली होप यू गाइस डूइंग आर वेल वेलकम बैक टू माय चैनल और एन अदर व्लॉग आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ये सारा उनके लिए है स्पेशली एंड सेकेंड इज़ जो लोग मेरे मक्का वॉको होटल मक्का की वीडियो के रिव्यूज़ मांग रहे थे मेरी उस वीडियो पर माशाल्लाह अच्छे खासे व्यूज़ आए थे और वो बार बार मुझे उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसके बारे में और कुछ बताएं सो so मैंने सोचा कि आज मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें अपना शॉर्ट है जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे दूँगी वो को होटल के बारे में सो so जनाब ये हमारा सफ़र शुरू हुआ था सिक्स नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम की ये वीडियो स्टार्ट हुई थी यानी ये हमारा जो जर्नी था और हम लोग अल्हदल्लाहमद लाला पा के हुक्म से हम लोगों को अल्लाह ताली ने उमरे की सादत नसीब की और हम लोग उम्र की अदायगी के लिए रवाना हो चले ये जो हमारा जर्नी था इसकी डिटेल में आपको उस तरह से लफ्सों में बयान नहीं कर सकती जिस तरह से हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया अल्हम्दुलिल्लाह अगेन अल्लाह पाक ने ये सादत नसीब की थी और फिर से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक एक बार फिर से अपने घर का दीदार नसीब करें और जो लोग मेरे वीवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी अपने घर का दीदार नसीब कराए आमीन सुम आमीन अच्छा जी अलहमदिल्ला हम लोग लैंड कर चुके हैं और जद्दा से मक्का भी पहुंच चुके हैं होटल में चेक इन करने के बाद फ़्रेशअप होने के बाद हम लोग उम्र के लिए निकल गए थे और सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला, ये आप लोगों के साथ मैं के जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यात करवाने की कोशिश कर रही हूँ और होपफुली मैं आप लोगों तक अच्छा एक मैसेज दे सकूँ और आप सब अपने लिए दुआ करिएगा मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी के मामला करें आमीन सुब आमीन जैसा कि आप सबको पता होगा लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दूं जो लोग जो हमारा बड़ा उम्र होता है वो ऐसे होता है कि आप जिस कंट्री से जा रहे हैं आपको हम लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोगों ने बोर्डिंग के बाद हम लोगों ने वहाँ से एहराम बांधे थे और फिर अहराम की हालत में जो आपको पाबंदियाँ होती हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और फिर जब आप लोग वहाँ पे लैंड करते हैं जद्दा में लैंड करते हैं और उसके बाद जद्दा से आपको मक्का जाना पड़ता है कुछ लोग जो होता है टूर बस के थ्रू आते हैं हम लोगों का पैकेज नहीं था हम लोग खुद ही से गए थे क्योंकि हम लोगों को आइडिया था फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पैकेज लिया था अब हम लोगों को सारा आइडिया था और इस वजह से हम लोगों ने हुल खुद से सारा मैनेज किया था ये जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ये है वोको होटल के डिनर की वीडियो है जो हम लोगों ने उम्र की अदायगी के बाद वापस आके होटल में ही किया था तो वो मैंने सारा मेन्यू आपके साथ शेयर किया है और इसके जो वोको होटल है मैं उसके बारे में रिव्यूज़ देना चाह रही हूँ आज की इस वीडियो में और फाइव स्टार की ही आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है रूम्स ज़बरदस्त हैं कोई भी रूम्स में कमी नहीं है डिनर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप देख सकते हैं ये आ, पर पर्सन आई थिंक सेवेंटी फ़ाइव और एटी फ़ाइव रियाल था पर पर्सन और बच्चों के लिए फिफ्टी रियाल था सो so, हमारे खाने की चीज़ें यानी एशियन फूड बहुत कम था यूँ समझ लें ना होने के बराबर था बट टर्किश बहुत सारी डिशेज़ थी और मलेशियन थी आई थिंक सो so, आपको अच्छा फ़ूड मिल ही जाता है ब आपको पता है जब आप किसी भी कंट्री से बाहर जाते हैं तो आपको फ़ूड में तो डेफ़िनेटली कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको फ़ूड नहीं मिलता सो so, जनाब ये जो अब है हम लोग मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में भी सारी ज्यारात अल्लाह पाक के हुक्म से हमने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वीडियोस के लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और प्लीज़ आप लोग उन्हें जाके वॉच कीजिएगा जजाकल खैर अच्छा जी तो बात करते हैं वोको होटल के बारे में जी मैं आपको बता रही थी कि हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है फैसिलिटेट है लेकिन हम लोगों ने जब दोबारा मदीना से वापस जा के भी वोको होटल को ही प्रेफ़र किया था और जब हम लोगों ने उस होटल की बुकिंग करवाई उस टाइम ऑल गुड था लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम था कि वहाँ पर रूम सर्विस अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी हमें एक जब जिस दिन हम लोगों का चेकआउट था तो उस दिन हमें एक जो रूम सर्विस थी उन्होंने उसमें से एक लड़के ने बताया कि पाकिस्तानी लोग कुछ यहाँ पे आके परेशान करते हैं बिला वजह बार बार रूम सर्विस को कॉल करते हैं हाउस कीपिंग को कॉल करते हैं इस वजह से पाकिस्तानियों के लिए एक अलग से टावर नंबर सेवन और एक और था आई थिंक मुझे नाम नहीं उसका याद है तो वो वाला टावर हम लोगों ने रिज़र्व कर दिया हुआ यानी होटल ने उसको रिजर्व किया हुआ कि यह पाकिस्तानी यहाँ रहेंगे और जब वहाँ से कोई कॉल जाती है उस टावर से तो उस पर ऐस कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं रूम से हाउस कीपिंग को बुलाने के लिए कई बार कॉल करती थी बट कोई भी नहीं आता था और फिर हम लोगों ने जब जाके नीचे काउंटर पे ये सारी बात बोली तो फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि सॉरी हम भेजेंगे लेकिन लास्ट डे उस लड़के ने फिर हमें सारी डिटेल में ये बात बताई कि इस वजह से आ, जो है आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बाकी ऑल गुड था आपको पता है मक्का और मदीना में जो लोग जाते हैं या जिन्हें आइडिया होगा वहाँ पे होटल्स का रूम का बहुत प्रॉब्लम होता है जो मक्का और मदीना के पास होते हैं हरम शरीफ के पास होटल्स वहाँ पे हाइजैनिक का बहुत इश्यू होता है वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते ना ही अच्छा इन्वायमेंट होता है तो हाँ ये चीज़ आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँ कि ये होटल अभी नया ही बना है बहुत ज़बरदस्त है रूम भी नीट एंड क्लीन है वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है तो यहाँ आपको कोई किसी किस्म की इस हवाले से बिस्तर के हवाले से ना आपको प्रॉब्लम नहीं होती है सब कुछ आपको फुली हाइजेनिक मिलता है अच्छा आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में भी बता दूँ यहाँ आपको जनाजे दिखाई दे रहे होंगे जी बिल्कुल आ, मक्का में और मदीना में ऐसा होता है तकरीबन हर नमाज के बाद यानी जनाजे नमाज जनाजा अदा की जाती है तकरीबन हर नमाज के बाद अल्लाह पाक सबकी मफ़रत फ़रमाए ख़ुश नसीब हैं लोग जिनका नमाज जनाजा यहाँ पे पढ़ाया जाता है सुबहानल्लाबहान अल्लाह अल्ला। और तो जनाब आप देख रहे हैं रश तो माशाल्लाह माशा बेतहा बे इनतहा हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हम लोग रमज़ान में गए थे मुझे याद पड़ता है कि रमज़ान में भी ना टू थाउजेंड आई थिंक एटीन की बात मैं आपसे कर रही हूँ इतना रश नहीं था जितना इस बार था सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला, माशाल्लाह ही बोलूँगी कि अल्लाह पाक सब को ये वक्त नसीब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्यारात कर सकें दीदार कर सकें अल्लाह पाक के घर का अल्लाह पाक के प्यारे रसूल हज़र मोहम्मद सल्ह वसलम की गलियों का अल्लाह पाक सबको को ये वक्त नसीब करें आमीन ये वो जगह है जहाँ जाने के लिए हर इंसान के दिल में एक अजीब एक अजीब सी चाहत एक अजीब सा एहसास है जो लफ्जों में कोई भी बयान नहीं कर सकता सभी की आंखें नम हो रही होंगी इस टाइम मैं इस चीज़ का एहसास है मुझे मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि इस वक्त अल्लाह के घर का दीदार करके सभी की आंखें नम होंगी और सभी के लफ्ज़ों लभों एक ही दुआ होगी कि अल्लाह पाक हमें भी ये वक्त नसीब हो आमीन जी तो जो तवाफुल विदा था वो हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक कार्स पे और उसका भी मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर की है और सारे चार्जेस के भी हवाले से आपको एक क्लिप ऐड किया हुआ है सो जो लोग उस बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ बैक करके वीडियो को वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो वो गाड़ियाँ जो हैं उनके क्या चार्जेस हैं और ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं अल्लाह ताला के जो घर है अंदर से दीदार करवा सकूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आगे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि गुलाफ क़ाबा के नीचे से मैंने कोशिश की है सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला, कि अल्लाह पाक के घर का दीदार कर सकें हम चलिए आप बात कर लेते हैं वोको होटल की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यवर्स ऐसे हैं मेरे जो इस बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कि आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे से बात करिएगा उसके बारे में बताइएगा कि वो कैसी है क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी रिव्यूज़ दिए कि हमारा बहुत ज़्यादा वर्स एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को ले कि वोको होटल की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं उनको बताती चलूँ अच्छा जी अगर आप बात कर लें ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रहता है और फजर में बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सभी जो जाजे कराम होते हैं वो उनकी आ, हमेशा यही प्योरिटी होती है कि वो रात जो है वो हरम शरीफ में गुजारे और किसी तरह से भी ज़्यात और बोसा वो ले सकें क्योंकि उनका हम सब की यही सोच होती है कि फजर के टाइम या तो हजद के टाइम वहाँ पे रश कम होता है तो हजद से पहले पहले का टाइम तो सभी वहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है तो फजर के टाइम जब वापस जाना होता है होटल तो बहुत ज़्यादा रश होता है बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है मैंने वीडियो पूरी बनाई थी वहाँ पर कि फ़जर के बाद कितना परेशान हो जाता है इंसान और जुम्मे के दौरान भी यही सूरत हाल होती है अदरवाइज़ ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू नहीं है एक जाती है दूसरी आती है दूसरी तीसरी आती है लेकिन फजर और जो आपको मैंने बताया ना जुम्मे वाले दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है फैमिलीज के साथ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको या तो बे इनतहा वेट करना पड़ता है कि आपकी बारी कब आए और आप तरीके से गाड़ी में जा सको अदरवाइज धक्का धक्का वाला हाल होता है थोड़ा सा मैंने आपसे कॉरिडोर शेयर किया है वोको होटल का आप देख लीजिए कितना नीट एंड क्लीन है फुल हाईजेनिक है और बाकी जो है मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह मैं उनको कॉल्स कर रही थी रूम से लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की कोई उसका देखा आप लोगों ने किसी ने कॉल रिसीव नहीं की और ये मैं कई बार उनको ऐसे ट्राई कर चुकी थी लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर हम लोगों को खुद ही नीचे जाना पड़ा और अपनी बात उनसे करके आना पड़ी जो भी हमें चाहिए था लेकिन फिर भी उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था अच्छा पता है आप लोगों को कि जब हम लोग तवाफ कर रहे होते हैं या खाना खाबा के करीब जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है अब लोग इस तरह से धक्का दे रहे होते हैं और कुछ लोग धक्का नहीं भी दे रहे होते तो अपने ही उनके ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि उन्हें साथ एक दूसरे के जाना ही पड़ता है और वो आप लोगों को नहीं देखते वो अपने ही ग्रुप के पीछे पीछे चलते जाते हैं और अपना ज़िक्र करते रहते हैं सो so, बात ये करना चाह रही हूँ कि एफ़र्ट लगती है आपकी तवाफ़ के दौरान और फिर आप में हिम्मत नहीं होती कि जब आप अपने होटल के लिए जा रहे हैं और आपको इतना वेट करना पड़े कि वहाँ पर कि वहाँ पे भी आपको इजीली आपकी सवारी नहीं मिलती और आपको वेट करना पड़ता है और फिर लोगों के धक्के खाना पड़ते हैं तो ये एक बहुत ही गैर मुनासिब अमल था जो वहाँ पे हो रहा था जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि उनको अपनी ट्रांसपोर्टेशन को मज़ीद इनक्रीज़ करना चाहिए माशाला से होटल बहुत ज़्यादा दिनों में खूब तरक्की कर रहा है तो उनको अपनी ट्रांसपोर्टेशन पर डेफ़िनेटली ज़ोर देना चाहिए सोचना चाहिए इस बारे में कि फ्राइडे को भी क्यों क्यों फ़्राइडे को भी क्यों आपकी ट्रांसपोर्टेशन इतना परेशान करे जबकि आपके पास इतने आ, गेस्ट स्टे कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जी तो ये आप देख सकते हैं ये जस्ट वन उनकी बस थी और बाकी जो बसेस हैं वो दूसरी होटल्स की हैं लेकिन जो वोको होटल है इनकी जस्ट वन ये ट्रांसपोर्टेशन थी जो बस थी और इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इतने लोग खड़े हैं इतने हजाज कराम हैं किस तरह ये एक बस में आ सकते हैं और ये सभी वो को होटल के लोग खड़े हुए हैं जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था मैं वो नेक्स्ट रिव्यू दूंगी क्योंकि मुझे मेरी उस वीडियो पे लोगों ने बहुत सा बोला था कि आपने होटल की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अच्छे से गाइड नहीं किया क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था हम लोगों के जब फर्स्ट यानी पा टर्की से जाते ही जो हम लोगों का स्टे था वो बहुत हमारा अच्छा गया इवन दो फ्राइडे को भी हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि हम आ, ये था कि अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे यानी रात में ही हम लोग यानी जो मैं रात की रात ही चले गए थे तो हमें वो इतना फ़ील नहीं हुआ है सच तो बाकी ये था कि वापस आके जब हमारे साथ मदीना के बाद से ही दोबारा ये मसला हुआ तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि मैं आप लोगों के साथ इन शाला इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या इशू है सो so, होपफ मैंने आप लोगों को अच्छे से गाइड किया हो रिव्यूज़ बिल्कुल ही हैं होटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है और फूड वाज गुड बट जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बाकी जनाब हमारी वापसी का टाइम हो गया था तो ये देखे बच्चों को नींद के झोंके <laughs> और हम लोग अलहमदिल्ला खैर खैरियत से वापस पहुँच गए अपने उम्र की अदायगी करके वन मोर थिंग जिसमें आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे वो ये कि ये शटल उतारती कहाँ पे है तो आप लोग जब गेट नंबर थ्री से बाहर निकलते हैं यानी जो वॉशरूम नंबर थ्री है उससे बाहर निकल के आते हैं जहाँ पे सारे लोग बाहर स्टॉल्स लगा के जमीन पे बैठे हुए होते हैं वहाँ से आप लोगों ने राइट देखा होगा रास्ता एक जा रहा होता है अंडरग्राउंड मॉल की तरह का लग रहा है वहाँ से आप लोगों को ये शटल मिलती है और शटल बहुत नेयर उतारती है हरम के शटल का मैं आपको बता दी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि फ्राइडे को और मॉर्निंग यानी फजर के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है अदरवाइज कोई इशू नहीं है हो रिवर्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए जजाकर खैर अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह पाक उन्हें फतः आप करें आमीन सुम आमीन अल्लाह हाफिज़